हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा देश का बजट पेश किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित करने जा रही है। इस बजट से मछली पालन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सीतारमण ने कहा है कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन में भी कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत रियायती स्कीम भी लाई जाएगी। खेती के लिए क्षेत्र में हमारी सरकार का विजन साफ है, हम आने वाले समय में और कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। वहीं युवा उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मत्स्य संपदा योजना क्षेत्र पर केंद्रीय एक विकास योजना है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2021 से 2024-25 तक सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जाना है। इसके तहत मछली पालन करने वाले मछुआरों को बीमा कवर, आर्थिक मदद, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग कर गांव की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली के लिए चारा, व्रत फीड, मील संयंत्र की स्थापना, रेफ्रिजरेटर वाहन, मोबाइल फिश, बायोफ्यूल तालाब का निर्माण, नए तालाब का निर्माण, आइस प्लांट का निर्माण, मोटरसाइकिल, बाइक बॉक्स सहित साइकिल बॉक्स आदि निर्माण शामिल है। योजना के तहत इसमें लाभुकों को अलग अलग अवयवों के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। नए तालाब के लिए अन्य वर्ग को 1.60 लाख व एसटी वर्ग को, महिला वर्ग को 2.40 लाख रुपए, वो बायोफ्लॉक तालाब के निर्माण के लिए 5 से 8 लाख रुपए, वो आइस प्लांट लगाने के लिए 16 लाख से 24 लाख, वो रेफ्रिजरेटर वाहन के लिए 10 लाख से 15 लाख का अनुदान मिलता है। योजना के तहत अन्य अवयवों में अलग अलग अनुदान राशि दी जाएगी। वही मछली चारा के लिए मत्स्य आहार व अंचल में लगाया गया है। इसकी वास्तविक क्षमता 20 टन प्रतिदिन होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही कृषि और खेतीबाड़ी से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।